हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में बात करेंगे सपनों के सौदागर की। यस, एक ऐसा शख्स जो सपने बेचता था। यस, बिल्कुल सही। सरप्राइजिंग या नाम मालूम है कौन ऐसा शख्स था जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों को सपने बेचता था और लोग उनके बेचे हुए सपने पर यकीन करते थे। उस शख्स का नाम है हर्षद मेहता। बिल्कुल सही सुना, हर्षद मेहता ये लोगों को सपने बेचा करता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल दोनों। फ्रॉड कैसे होता है और हमें कैसे बचना है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इट विल हेल्प यू कि भविष्य में आप किसी दुर्घटना के शिकार ना हो, भविष्य में आप किसी चीज़ों के शिकार ना हो। तो इस चीज़ के लिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी ऐसी वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुई है, वरना बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो मिस कर देंगे। या कभी कभी हम फ्री टिप्स की वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी आप मिस कर देंगे। तो हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिससे बच्चा बच्चा स्टॉक मार्केट में वाकिफ होगा जो उस समय ट्रेड करता था। और ये ऐसा शख्स है जो कि कई लोगों की जिंदगियों को तबाह करके चला गया। यस, तबाह करके चला गया। और ये वीडियो 1992 में हुए स्टॉक घोटाले पर भी आधारित है, क्योंकि आज तक लोग 1992 का दर्द भूले नहीं हैं। वो लोग तो छोड़ो, उनके घर के बच्चे भी ना भूले हैं। तो जानेंगे जन्म कुंडली हर्षद मेहता की, क्या करते थे स्टॉक मार्केट में आने से पहले और क्यों उनको स्टॉक मार्केट की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था, किस तरीके से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई और स्कैम किया था, और सबसे मजे की चीज़ किसने किया पर्दाफाश। तो शुरू करते हैं। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता और जन्म 29 जुलाई 1954 गुजरात में। जहां तक पढ़ाई की बात करें, ग्रेजुएशन बीकॉम किया था 1976 में लाजपत राय कॉलेज से। हर्षद मेहता के दो भाई थे, पहले अश्विन मेहता, दूसरे सुधीर मेहता। हर्षद मेहता अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छे जॉब के तलाश में कई जगह हाथ पैर मारा, सेलिंग किया, सेल्समैन का काम किया, होजियरी का काम किया, सीमेंट का काम किया, डायमंड सॉर्टिंग का काम किया, मतलब सारे उलूल जुलूल सारे काम कर लिए। और इन सब कामों में उनका मन नहीं लगता था, तब उन्होंने स्टॉक मार्केट में एज अ जॉबर काम किया। बहुत लोग जॉबर को जानते होंगे, जो ना जानते हो तो जॉबर वो होते हैं जो ब्रोकर को क्लाइंट देते हैं। यस, ब्रोकर को क्लाइंट देना। जॉबर्स बनने के बाद जब उनको चीज समझ आने लगी, तब 1984 में अपने भाई सुधीर मेहता के साथ मिलकर इन्होंने एक ब्रोकिंग फर्म की शुरुआत की। यानी शुरुआत बहुत लोअर लेवल से हुई थी और उसका नाम रखा था ग्रो मोर एंड एसेट मैनेजमेंट। यस, सही सुना, ग्रो मोर। अब ग्रो मोर पब्लिक के लिए था या खुद हर्षद मेहता के लिए था, वो तो सारी दुनिया जानती है। उस समय नाम रखा था, वो अलग स्टोरी थी। अब धीरे धीरे क्या हो गए, जब बड़े निवेशक भी निवेश करने के लिए इनकी ब्रोकरेज फर्म का सहारा लेने लग गए, क्योंकि इन्होंने कई सारी टोपियां उल्टी थी, उस टोपी उलटने के कारण बड़े बड़े निवेशक भी इनके पास आने लग गए। जिक्र करेंगे कैसे क्या टोपियां उल्टी। तो इस दौरान हर्षद मेहता ने दिमाग का यूज किया और सीमेंट कंपनी के प्राइस को 200 से बढ़ाकर 9000 तक पहुंचा दिया, वो भी 3 महीने में। पता है किसी को कौन सी कंपनी थी वो? एसीसी। यस, एसीसी के शेयर के दिन को इन्होंने फेर डाला और 200 से 9000 सिर्फ 3 महीने में। दैट मींस 4400% का राइज देखने को मिला। अब ये इनका सबसे बड़ा तमाशा था जो सबसे हाईलाइट था। और ये बड़े तमाशे से पहले उन्होंने कई छोटे छोटे तमाशे किए थे स्टॉक को घुमाने के, जिसके कारण इनके पास इन्वेस्टर आने लगे थे, क्योंकि इन्होंने लोगों को दिखाया कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन होता है, कैसे स्टॉक चलता है। तो उसमें शुरुआत में इन्होंने थोड़े थोड़े स्टॉक चलाए तो लोगों का ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बना तो बड़े बड़े लोग आए। फिर इन्होंने सबसे बड़ा गेम किया एसीसी का। और उस टाइम में एक बात कही जाती थी कि मेहता जी जिस स्टॉक को छू दें वो सोना नहीं हीरा बन जाएगी, और थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर इनको फॉलो करते थे। और सबसे मजे की चीज बताता हूँ, इनको बेताज बादशाह तो माना ही जाता था, स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। यस,
कहते हैं ना अमिताभ बच्चन का मशहूर डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के बाप कहलाते थे। आई बात समझ में? और एसीसी के बाद इनका जलवा ऐसा फैला ना कि इनकी फोटो और इनसे जुड़ी खबरें न्यूज़पेपर और मैगजीन में एकदम हीरो के माफिक आने लग गई। और हर्षद मेहता का इंटरेस्ट सिर्फ ये मत सोचिएगा कि एसीसी में था, और भी बड़े स्टॉक थे इनके जलवे में। तो इनके जलवे में स्टॉक थे अपोलो टायर्स, रिलायंस, हीरो होंडा, टाटा स्टील, एस्टरलाइट, बीपीएल, वीडियोकॉन। तो आप सोच सकते हैं कि इसने बड़ी बड़ी कंपनियों का गोलमाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ा। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन उसको शॉर्ट में बस आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने गेम स्टार्ट किया। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगर नजर डाल ली जाए इनकी प्रॉपर्टी की, तो एक मामूली सा ब्रोकर और उसके पास 12,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग वर्ली पेंट हाउस, और उसमें मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी थे, और इनके पास 2 दर्जन लग्जरी कार, और जिस लग्जरी कार में पता है लेक्सर और स्टारलेट भी इनके पास था, जो कि उस टाइम में अमीर लोगों तक के लिए लेना मुश्किल था। तो आप सोच सकते हो इतनी महंगी कार जो अमीर लोग ले नहीं सकते थे वो इसके पास थी। और मजे की चीज, किसी को क्या पता था, जिन्होंने इनको स्टॉक मार्केट का मसीहा बना था, जो शेयर होल्डर अपने किस्मत की चाबी इसको मान के चल रहे थे, वो एक बहुत बड़ा घोटालेबाज निकलने वाला है। और यहाँ से अब शुरू होता है मेहता के घोटालेबाजी का सफर। तो सबसे पहले हम बता दें कि हर्षद मेहता ने कुल 4,000 करोड़ रुपए का एक स्कैम किया, और सबसे मजेदार बात यह है कि इस स्कैम के सामने आने के कुछ दिन पहले ही हर्षद मेहता ने 26 करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया था। यस, 26 करोड़। और इस स्कैम का पता चलने के बाद मार्केट में जो गिरावट आई थी, पता है वो कितनी थी? 72% का क्रैश। इसलिए मैंने बोला जो जो फंसे ना उसके घर में जो बच्चे थे वो भी हर्षद मेहता को आज तक नहीं भूले कि मेरे पप्पा को हर्षद मेहता ने बर्बाद कर दिया। और ये मार्केट में एक लीडिंग क्रैश था, और जिसकी वजह से मार्केट बहुत धरातल में घुस गई थी। तो असल में हुआ कुछ इस तरह से था कि देखा गया है कि एक छोटा सा ब्रोकर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़ों रुपए कमा रहा है, और सारी कहानी इस खबर से शुरू हुई कि इन चीजों को देखते हुए ये सवाल उठने लगे कि आखिर हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आया कहां से। और इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी इंडिया टाइम्स की रिपोर्टर, उस जमाने की स्टार रिपोर्टर जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, सुचिता दलाल। और 23 अप्रैल 1992 में उन्होंने इस राज का पर्दाफाश किया, और इस वजह से जो ये स्कैम की खबर का पर्दाफाश हुआ, बीएससी और अदर स्टॉक एक्सचेंज काफी ज्यादा हिल गए। और इस दौरान उन्होंने देवाशीष बासु के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी, उसका नाम था द स्कैम। यस, सुचिता दलाल ने देवाशीष बासु के साथ मिलकर एक किताब रखी द स्कैम, जो उसको आप पढ़ सकते हो, जिसमें उसकी पूरी बारीकी पूरी डिटेलिंग पढ़ सकते हो। और ये स्कैम कुछ इस तरह का था कि बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाया गया। यस, दिस इज द पॉइंट, जिसको आप सुनिएगा तो बहुत आपको समझ में आएगा कि ये गेम कैसे खेला गया जो घोटालेबाजी का था। तो बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया गया कि इसने बैंक से 15 दिन के लिए लोन लेता था, ये बैंक से 15 दिन के लिए लोन लेता था, और उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देता था और कहीं और प्रॉफिट होने पर उस पैसे को वो उस बैंक को इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता था। काफ़ी दिन तक खेल चलता रहा, पर जब कुछ दिन के बाद जब मार्केट गिरी और काफ़ी नुकसान हुआ, तो जो बैंक से उन्होंने लोन लिया वो उसको वापस नहीं कर पाए, लौटा नहीं पाया, और कर्ज में डूबता चला गया। और अब यहां से एक और ट्विस्ट टर्न स्टार्ट होता है, और बैंक से पैसे उठाने के लिए वो फेक बीआर यानी बैंक रिसिप्ट बनवाता था, और उस बीआर के जरिए वो दूसरे बैंक से पैसे उठा लेता था। यानी एक बैंक से पैसे उठाए थे, इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया, अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो जब तक पैसे बन रहे थे तो बैंक को लौटा के हिसाब क्लोज, लेकिन जब स्टॉक आ गया नुकसान में पैसे देने को नहीं, तो अब ये बैंक वाला बोल रहा है मुझे पैसे दो, अब इसके लिए ये किसी दूसरे बैंक से पैसे लेता था, वो भी फेक बीआर की बदौलत। आई बात समझ में? और उस फेक बीआर की बदौलत
वो पैसे लेता था और वो पैसे पहले बैंक को देता था, जिस वजह से उस पर कर्ज बढ़ता गया। और इवन अब ये दूसरे को भी देने के लिए ये पैसे तीसरे से लेता था, तीसरे का चौथे से लेता था, ये कहानी इस तरीके से चलती थी। और पैसे किसी, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। और इस बात का जो खुलासा हुआ तो बैंक ने इनसे पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। और अगर आपको याद हो या ना हो तो मैं बताना चाहूँगा, जब ये स्कैम सामने आया था तो सामने आने से विजया बैंक के जो चेयरमैन थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब इस बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये स्कैम हुआ और कैसे किया गया। इसको मैं दो मेथड से समझाऊंगा। पहला, रेडी फॉरवर्ड डील यानी RF डील। हर्षद मेहता RF डील का यूज करता था टू इंसर्ट मनी इन द स्टॉक मार्केट। और RF डील जो है ना, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को दिया जाता है, और इस डील को बैंक के ब्रोकर के मदद से करवाया जाता है। यानी जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है तो वो लोन बैंक को डायरेक्ट नहीं देती, उसमें वाया मीडिया ब्रोकर होता है, जो कि कौन था? हर्षद मेहता, क्योंकि इसकी जो साठ गांठ जो सेटिंग थी वो वहां पे थी। तो ये उसमें उस रसीदी से वो फेक वाला काम करता था, तो वो इस काम के बदले में, उस ब्रोकर के बदले से कमीशन पाता था। तो ये जो बैंक रसीद BR होती है, एक तरह से रसीद का काम करती है कि द मनी इज रिसीव्ड बाय द सेलिंग बैंक, कि मनी जो है वो मिला सेलिंग बैंक से। और मेहता इसकी मदद से फेक BR बनवाता था, फेक बैंक रसीद, और वो BR दूसरे बैंक को दे दिया, और उस फेक BR की मदद से मेहता बैंक से पैसे उठा लेता था। और बैंकों को लगता था वो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दे रही है, पर असल में ऐसा नहीं होता था। और RF डील को समझने से पहले हमारे लिए ये समझ लेना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया, अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट में हुए एक्सपेंस के लिए करती है। मतलब गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज़ का यूज़ करती है जब फंड रेज करना हो, और फिर जब अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है तो उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती है। और उस टाइम में ये मैंडेटरी था कि हर एक बैंक के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे, ये उस जमाने की बात है। सेम उसी तरह जैसे कि जब हमको पैसे की ज़रूरत होती है, हम अपने गोल्ड की ज्वेलरी को गिरवी रख देते हैं और पैसा उठा लेते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम वो पैसे गिरवी रखे हुए ज्वेलरी को चुका देते हैं और हम अपना सोना ले लेते हैं। उसी तरह बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ का यूज़ करती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका नाम है अरुण, और उसको पैसे की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, अरुण ने अपने फ्रेंड वरुण से पैसे लिए, फिर पैसे का यूज़ किया, फिर जब वरुण ने पैसे मांगे तो अरुण तीसरे दोस्त अजय से पैसे लेता था वरुण को देने के लिए, और ये पूरा चेन सिस्टम चलता था। एक से पैसा लिया दूसरे को दिया, दूसरे से लिया तीसरे को दिया, बट कहानी वहीं की वहीं घूम रही। तो यही किया हर्षद मेहता ने, अलग अलग बैंक से फेक BR की मदद से पैसा उठाया, और फेक BR से एक बैंक से दूसरा, दूसरे बैंक से तीसरा, तीसरे से चौथा, और जो अंजाम हुआ वो अंजाम आप हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है। इसके बाद 72 क्रिमिनल केस लगाए गए, 72 बाइबरी, चिटिंग, फर्जरी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ऐसे करके 600, और 600 सिविल एक्शन लगाए गए। हर्षद मेहता को CBI ने नवंबर 1992 को उनके भाई अश्विन और सुधीर के साथ SKM में हिस्सा लेने के लिए पकड़ा, पर कुछ दिनों के बाद मेहता और उनके भाई को बेल हो गई और जेल से बाहर निकल गए। 3 महीने सिर्फ जेल में रहे। सोचिएगा, इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा जुर्म, और 3 महीने में बेल। क्या कुछ अंदर की राम कहानी नहीं थी? क्या ऊपर से प्रेशर नहीं था? कुछ पॉलिटिकल कहानी नहीं थी? क्या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था? ये आपको सोचना है। बट बात आती है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल गेम हुआ था बड़े लेवल पे, और उस पॉलिटिकल गेम के आधार पे बहुत कुछ दबाया गया, बहुत सारे केस ख़त्म किए गए, ड्यू टू दैट रीज़न बेल हुआ। तो उसके अंदर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने आप में एक अलग हो जाएगा, पर इतने दिन बाद भी मेहता को रहा नहीं गया। जब इसके बाद बाहर निकले, उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवाइजरी कॉलम लिखना शुरू कर दिया, और इस कॉलम में वो ये लिखते थे कि कौन से शेयर में निवेश करें। आप समझ पा रहे हो, कुत्ते की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी, नली में डाल दो तो भी
लोगों को बर्बाद कर दिया, सब कर दिया, केस कुछ खास नहीं बना, जबकि फर्जरी इतना बड़ा तो भी। और कौन से शेयर में निवेश करें, किस कंपनी में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस कंपनी में आपको कम प्रॉफिट होगा। और यहाँ भी पता है वो उसी बारे में लिखते थे जिसमें उनका खुद का निवेश रहता था, वो इन्वेस्टर के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, वो खाली अपना और उसके अगेंस्ट, और जहाँ से वो लोग उल्टा करें और वो वैसे कर पाए। समझ पा रहे हो जो आज के डेट में चल रहा है सारा रामदान। और इस केस में मजे की बात यह है कि उनके ऊपर बहुत से केस चल रहे थे पर सिर्फ उनको एक ही केस में दोषी पाया गया, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। और इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 साल की सज़ा और 25,000 का जुर्माना हुआ। अब इतना बड़ा मामले में फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 साल की सज़ा और 25,000 का जुर्माना, कुछ तो था, क्या था कोई नहीं जानता। क्योंकि इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि 31 दिसंबर 2001 को देर रात को हर्षद मेहता के चेस्ट में दर्द होने लगा और इस दर्द की वजह से हर्षद मेहता को थाने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इसी दौरान उसकी रहस्यमय मौत हो गई, और जबकि उसकी एज थी 47। तो आखिर क्या था उस रहस्यमय मौत का राज, कौन जानता है, कोई नहीं। क्या ऐसा राज था कि सिर्फ 5 साल की सज़ा हुई, कोई नहीं जानता। क्या ऐसा प्रेशर था जिसके कारण ये इतना बड़ा मामला दबा, कोई नहीं। तो इसकी वजह से उन पर लगे केस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि वो मर गए तो केस दब गया, केस दब गया तो उसके पीछे कौन से नाम थे वो दब गए, क्योंकि अकेले के पीछे तो कहानी हो नहीं सकती, न जाने कितने लोग जुड़े पड़े होंगे, वो दब गया तो राज राज ही रह गया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 जनवरी 2016 को, रिपोर्ट के मुताबिक हर्षद मेहता की टोटल जो संपत्ति थी ना वो 1723 करोड़ रुपए थी, और जबकि उनकी जो लायबिलिटी है ना 16,044 करोड़ की थी। आज समझ में आ रही है बात को। और इसमें से मेहता की फैमिली को 4,662 करोड़ रुपए बैंक को पे करना था और 11,174 करोड़ रुपए आईटी डिपार्टमेंट को। तो आप समझ पा रहे होगे कि मैंने कोशिश की है आपको आपकी भाषा में समझाने की, एक आदमी के एग्जांपल से किस तरीके से टोपी घुमाई जाती है। उम्मीद करूँगा कि सपने बेचने वाले सौदागर की कहानी आपको समझ में आई होगी और उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आप सीखने की कोशिश करोगे। इस तरह का जो शॉर्टकट है ना उसका सहारा ना लें, ये सब कहीं सस्टेनेबल नहीं है, ना कभी शॉर्टकट बना था, न बना है, न बनेगा। ये बस फाइनली आपको उसी रास्ते पे लेके जाएगा जिस रास्ते का नाम है बर्बादी, बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी। अगर मेरी वीडियो, जो मेरी कोशिश थी आपको आपके भाषा में समझाने की, अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिएगा जिससे हमें पता चल सके कमेंट बॉक्स में क्या अच्छा लगा, वो बताइएगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर और बेहतर और बेहतर वीडियो बना सकें। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री टिप्स देते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जहां आप देखिए हम आपको लाइव ट्रेड देते हैं। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां की फ्री टिप्स का फ़ायदा उठाएं। आपको स्क्रीन पे यूट्यूब का भी हमारा वीडियो का सेक्शन दिख रहा होगा जहां पे हम एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ टिप्स के चक्कर में भी ना रहें, एजुकेशनल वीडियो भी देखा करें, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। साइकोलॉजी गेम, मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीजों को समझने में। तो प्लीज इन चीजों को प्रॉपर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको बेनिफिट मिले।